नमस्कार, मैं अभी हूँ असम की राजधानी गुवाहाटी दिसपुर का जनता भवन में हूँ और हम लोग का बीच में है TUCC का नेशनल जनरल सेक्रेटरी SP तिवारी जी है और TUCC का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रत्नेश्वर गोगोई जी है और मेरा बीच हम लोग का बीच में है मोहन सोनवाल जी है, इंजीनियर है और हम लोग का TUCC स्टेट लीडरशिप है और जियाउर रहमान जी भी है। मैं थोड़ा बातचीत करने के लिए कोशिश करता हूँ और फ़ोन कैमरा से करने की कोशिश कर। हम लोग का बीच पहले थोड़ा कुछ बोलने के लिए SP तिवारी जी को मैं अनुरोध करूँगा। आप असम में कब आया है और क्या क्या इशू लेके आज जनता भवन में बातचीत हुआ है? मैं गुवाहाटी आया था, कल गुवाहाटी आया था और स्टेट कमेटी का बैठक हुआ, उसमें बहुत सारा इशू आया, निर्माण मजदूरों का इशू आया, उनका स्कॉलरशिप, हेल्थ चेकअप, पेंशन, ये सब का पैसा रुक गया, इसके बारे में बहुत सारा बातचीत हुआ। उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ प्रिंसिपल लेबर सेक्रेटरी से मुलाकात किया और उनको इसका जानकारी दिया और हमारा एक डेलीगेशन 3 मेंबर्स का, उसमें हमारा मोहन सोनेवाल जी, जियाउर रहमान और गुणकांत गोगोई, ये लोग जा करके लेबर कमिश्नर से मिले थे और लेबर कमिश्नर को इन्होंने सारा चीज़ बताया है और उन्होंने कहा कि इसको वो वेरी शॉर्टली रिजॉल्व करेंगे, ये उन्होंने वादा किया। असंगठित मजदूरों के भी मुद्दों पर बातचीत हुई है, उसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप किया है, उसका रिजल्ट भी इस सप्ताह आ जाएगा। हाथी फादी यूनियन के बारे में लोगों का बड़ा वो था, वो हमारे सारे लीडर्स आए थे तो हम लोगों ने तय किया है कि वो हाथी फादी का इशू जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से अप्रूव होकर के चला गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। अब प्राइम मिनिस्टर लेवल पर हम लोग परसुएट करेंगे तो वहाँ जितना जल्दी हो फाइल पिकअप हो करके वहाँ से फॉर्मलाइज हो जाए। इस विषय में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा, जो हाथी फादी यूनियन का पहले जो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में 170 बेनिफिशरीज को जो बेनिफिट मिला था प्रधानमंत्री जो पायलट प्रोजेक्ट के जरिए, वो आपकी नेतृत्व में ही हुआ था और अभी मतलब फांडी यूनियन का और 2-3 ऐसा मतलब फ्रॉड जो बॉडी है उसका भी पब्लिक के बारे में वो थोड़ा वो हो रहा है, पब्लिश हो रहा है, इस विषय में थोड़ा क्लियरिफिकेशन देने से। देखिए, जो हमारा सर्वे का लिस्ट है 5384 फैमिली का, उन्हीं को ये बेनिफिट मिलना है और जो हमारे यूनियन के मेंबर्स हैं हाथी फादी यूनियन का, जिसके प्रेसिडेंट हमारे रत्नेश्वर गोगोई, उनके मेंबर्स को छोड़ के किसी को ये बेनिफिट नहीं मिलना, नंबर वन, ये चीज़ सबको जानकारी है। दूसरा चीज़ ये है कि जो लोग फ्रॉड करके लोगों से पैसा वैसा लिए हैं उनसे आप लोग सावधान रहिए। जो ऑथराइज यूनियन है सद्धो आश्रम हाथी फादी सम्मिलन, वही ऑथराइज है और उसी की फाइल मूव हो रही है और उसी के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पूरा प्रोजेक्ट को सैंक्शन करेगी, इसलिए और दूसरे लोगों के पास जाने का कोई मतलब नहीं है और ऐसे फ्रॉड वाले लोगों से सावधान आप लोग रहिए। हमारी जो लीडरशिप है इसके साथ, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो लीडर्स हैं उनके साथ आप लोग संपर्क रखिएगा तो हाथी फादी का जो हमारा रियल फैमिली है 5384 उनको बेनिफिट मिलेगा और हम लोग कोशिश करेंगे इसके अलावा जो लोग छूट गए हैं उनके लिए भी पॉलिसी बना करके बाद में उनको भी इसका बेनिफिट मिले, इसकी भी व्यवस्था TUCC सेंट्रल कमेटी की तरफ से होगा। और हम लोग का असम का जो हाइलाकांडी का जो इशू है उसमें भी थोड़ा हम लोग का इधर TUCC का नाम पर जो एक अलग बॉडी एक्टिविटी चला रहा है उस विषय में भी आप थोड़ा क्लियरिफिकेशन देने से। मैंने आज प्रिंसिपल लेबर सेक्रेटरी को कह दिया है, वो पूरे आसाम के सारे लेबर डिपार्टमेंट को सर्कुलेट हो जाएगा। आज हमने भारत सरकार का सर्टिफिकेट भी सबमिट कर दिया है और कोई जो हमारे सिग्नेचर के बगैर कोई भी कमेटी TUCC का नाम व्यवहार नहीं कर पाएगी, ये आज हमने फाइनल कर दिया है। जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं वो लोग अगले 3 महीने के अंदर उनका नाम ख़त्म हो जाएगा, वो लोग TUCC का नाम व्यवहार नहीं कर सकते, हमारे लीडर उनके नाम से FIR करेंगे पुलिस को, ये हमने अपने लीडरों को कल मीटिंग में इंस्ट्रक्शन दे दिया। ठीक है, धन्यवाद। अभी मैं आती हूँ। ठीक है, और हम लोग वीडियो
अभी इतना ही में समाप्त करते हैं, धन्यवाद।